हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्स वाई ग्रुप से रिलेटेड जो एक पेपर सेट जो आता है उस पेपर सेट से रिलेटेड पहला जो टेस्ट है किस तरह से आता है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड पेपर जो आता है उस तरह से मैं बता रहा हूं। पहला जो है जिसे हम कह सकते हैं एक कैप्सूल के रूप में है, और ये अगर आप ढंग से कर लेते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर रिलेटेड हैं या मिलते जुलते मिल जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। चलिए तो कैप्सूल नंबर वन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो 20 हैं, जिनमें 1, 2, 3 एक दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड टू इसमें आपको वर्ब भरनी है। पहला जैसे सेंटेंस दिया हुआ है इट, फिर ब्लैंक दिया हुआ है सिंस अर्ली मॉर्निंग। देखिए जरा गौर से, सिंस लिखा हुआ है तो सिंस वाले सेंटेंस के अंदर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो आपका सही होगा। ऑप्शन सी वाला जो आंसर है उसको आपको टिक मारना पड़ेगा, तो आंसर सी होगा। सेकंड नंबर, ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, और फिर ब्लैंक दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना व्हाइल के बाद जब भी कोई टेंस आता है उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म में भी पास्ट वाली कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि यहां पर जंप्ड पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें डी वाला आंसर यानी वाज मूविंग सही होगा। ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग। तीसरा क्वेश्चन है द मैच विल स्टार्ट, मैच स्टार्ट होगा व्हेन द रेफरी, और फिर ब्लैंक दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना जब दो क्लॉज दिए हों जिनमें पहला क्लॉज मॉडल वर्ब यानी विल से लगा हुआ है तो दूसरे क्लॉज को चाहे वो इफ से जुड़ा हो, चाहे वेन से जुड़ा हो, चाहे टिल से जुड़ा हो, चाहे अनटिल से जुड़ा हो, वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, इसलिए बी ऑप्शन में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कम्स वो आएगा, तो बनेगा द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी कम्स। अगला क्वेश्चन नंबर फोर आता है, क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव में आपको दिया हुआ है कि दो आपको इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो सॉल्व करने होंगे। पहला है फोर नंबर टू बेल द कैट, इसको एक लॉजिकली देखें बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब हमको आफत लेना, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा वो उन सभी चूहों का लीडर होगा, तो इसका आंसर होगा टू टेक लीड इन डेंजर, यानी खतरे में सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। कहते हैं भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अर्थात आगे कौन बढ़े, तो आंसर होगा टू टेक लीड इन डेंजर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा दिया है नंबर फाइव में टू बी इन अ फिक्स, फिक्स माने होता है दुविधा में हो जाना, जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि उसे समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है एक परप्लेक्सिंग मूड में होना या कंफ्यूजिंग मूड में होना, इसलिए इसका आंसर ए यानी टू बी इन परप्लेक्सिटी सही होगा, यानी फाइव का आंसर ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, सिक्स सेवन एट में हमने तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको ये देखना है कि किस पार्ट में कॉमन एरर दी हुई है। जैसे सिक्स नंबर में देखिए None of the two brothers, वैसे तो गलती आपको शुरू में मिल गई, अगर two brothers दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं, दो के लिए हम none का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह neither का प्रयोग करेंगे, तो बन जाएगा neither of the two brothers, यानी सेक्शन ए में गलती है। नंबर सेवन देखेंगे ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, तो आपको पता होगा ब्रेड एंड बटर को कुल मिलाकर के हम फ्रेज के रूप में अगर पेयर के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब इज ही आती है जो बिल्कुल सही लगी हुई है, बट होलसम फूड में एक आर्टिकल की जरूरत है, यानी हमको ये लिखना पड़ेगा ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, यानी गलती सी सेक्शन में है, होलसम के पहले आर्टिकल अ लगाना होगा तब सेंटेंस ही बनेगा ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। नंबर एट में देखेंगे आई सेल राइट टू यू व्हेन आई सेल रीच मुंबई, देखें जरा दो क्लॉज दिए हुए हैं, दो क्लॉज में व्हेन से जुड़े हुए पहले क्लॉज में हमने मॉडल वर्ब का यूज किया है
और दूसरे क्लॉज में भी सेल यानी मॉडल वर्ब का यूज कर दिया है, तो ध्यान रखना है दूसरे क्लॉज में यानी सेक्शन सी में सेल वर्ब हटाई जाएगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच मुंबई, तो गलती सी सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9 में आपको सिनोनिम्स एक पूछा गया है फिक्शन। फिक्शन माने होता है झूठ मूठ का या मनगढ़ंत यानी काल्पनिक, तो इसलिए इसमें चार ऑप्शन जो दिए हैं, रियलिस्टिक तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बल्कि हमें तो सिनोनिम्स चाहिए, तो इसका सिनोनिम्स इमेजिन्ड होगा। इमेजिन्ड का मतलब होता है किसी को काल्पनिक रूप में बताना, फिक्शन का मतलब होता है इट्स नॉट फैक्ट, तो इसलिए आंसर 9 का होगा ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें एक सही आर्टिकल भरना है, तो आपको बता दें जब हम किसी की उपमा किसी व्यक्ति को देते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर की तरह हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यानी हमने द भरना होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 11 में आएंगे। 11 में हमें दो वर्ड दिए हुए हैं जिसमें दोनों के एंटोनिम्स बनाने हैं, जिसमें पहला 11 नंबर है ग्रेव। ग्रेव माने होता है गंभीर। अब ग्रेव माने गंभीर होता है और सीरियस माने भी गंभीर होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पर हमें चाहिए इसका अपोजिट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रिफल। जब कोई चीज को हम गंभीरता से सोचते हैं यानी जिसकी इंपोर्टेंस को समझते हैं, और एक ऐसा होता है ट्रिफल, ट्रिफल माने जिसको हम हल्के में लेते हैं, इसलिए ग्रेव का अपोजिट ट्रिफल होगा। दूसरा वर्ड है हीड। हीड माने होता है ध्यान देना। एक तो हम ध्यान देते किसी चीज में और एक को हम इग्नोर कर देते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए इग्नोरेंस लिखा हुआ है। इग्नोरेंस माने होता है अनजान या अज्ञान, और अगर हम हीड को ध्यान देने के सेंस में जाते हैं तो इसका अपोजिट इग्नोरेंस वर्ड हो जाएगा। हीड कहते हैं ध्यान देना, इग्नोरेंस का ध्यान ना देना, और केयरलेस लापरवाही होती है, तो वो केयरफुल का अपोजिट होगा, तो हीड का जो अपोजिट है वो इग्नोरेंस होगा। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 में ही इज वैसे दिया हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी आपको ग्रामेटिकली अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। ही इज इनोसेंट द क्राइम, यानी अपराध के लिए या अपराध पर वह इनोसेंट है, अज्ञानी है, तो ही इज इनोसेंट फॉर द क्राइम, यानी वह अपराध के लिए इनोसेंट है, अर्थात बहुत ही ज्यादा मासूम है या अनजान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर 14 देखेंगे, ही इज नॉट एग्री। ध्यान दीजिए एग्री के साथ अगर हम किसी मैन से सहमत होंगे तो विद लगाएंगे, किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो मेन विद लगाएंगे, और किसी के बात पर सहमत होंगे तो हम टू लगाएंगे, इसलिए इसमें 14 नंबर में ऑप्शन नंबर बी यानी टू सही होगा, इज नॉट एग्री टू योर सजेशंस। नंबर 15 देखेंगे, ही वॉज अक्यूज्ड। अक्यूज माने होता है किसी पर आरोप लगाना। अक्यूज हमेशा ऑव लेता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी ऑव सही होगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द पुलिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को बताने से पहले मैं इसको एक पैसेज जो दिया हुआ है उस पैसेज के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। स्टोरी आपने पढ़ी होगी, फिर भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को करने के लिए उसकी हिंदी आनी चाहिए, तो मैं इसकी पैसेज की हिंदी बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। वंस एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वॉज कैरीड अवे बाय द स्विफ्ट करेंट। एक बार एक चींटी पानी में पीने के लिए एक धारा में करंट में आई, करंट कहते हैं धारा, और तेज धारा में वो बहने लगी। सी वॉज इन अ ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग, उसे डूबने का बहुत बड़ा खतरा लग रहा था। अ डव पर्स ऑन अ नियर बाय ट्री, एक डव यानी फाख्ता एक पक्षी होता है, वो पेड़ पर चिपका हुआ था। सॉ द एंट इन डेंजर, उसने चींटी को खतरे में देखा। एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, और उसने पानी में एक पत्ती डाल दी। द एंट क्लाइम्ब ऑनटू दिस, चींटी उस पत्ती पर चढ़ गई। एंड वॉज कैरीड टू सेफ्टी, और सुरक्षित वो पहुंच गई। समटाइम्स आफ्टर दिस, इसके कुछ दिन बाद अ हंटर, एक जो शिकारी था, क्रीपिंग थ्रू द बसेस,
झाड़ियों में से कहीं से निकल के आया, saw the dove asleep. उसने उस फाख्ता को सोते हुए देखा, and took careful aim with his gun. और अपनी बंदूक से उसने एक सावधानी से निशाना साध दिया. He was about to fire. वह एक बंदूक को फायर करने ही वाला था, when the ant who was nearby, जो चीटी थी वही पास में थी, crawled, मैंने रेंगती हुई आई, forward आगे, and bit him sharply in the ankle. उसने एड़ी में उसको काट लिया. Thus the hunter missed his aim. इस प्रकार से जो hunter था उसका aim, जो लक्ष्य था, वो miss हो गया. And the loud noise of the gun, और तेज़ आवाज़ जो बंदूक की थी उसकी वजह से awakened the dove, डब को उसको जगा दिया. From asleep, उसके सोने से, she saw her danger. उसने अपने खतरे को समझ लिया. And flew swiftly away to safety. और सुरक्षा के लिए वह तेज़ी से उड़ गया. Thus the ant repaid the dove for saving, having saved in the foaming current of the stream. जलधारा से बचाने के बदले में चीटी ने उसके बदले में उसको रिपेमेंट दे दिया. अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे, देखिए जरा. पहला क्वेश्चन है, द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, यानी चीटी उस जलधारा के पास क्यों आई थी. ये शुरू में बताया गया है, वह पीने के लिए आई, पानी पीने के लिए आई थी, क्योंकि उसको पानी पीना था वहाँ पर. इस वजह से उसने वहाँ पर पानी पीने के लिए जो है वो आई हुई थी. तो इसका आंसर होगा ड्रिंक एट इट, यानी डी इज द आंसर. द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इन टू द वाटर. डव ने एक पानी में पत्ती को डाल दिया, पानी में एक पत्ती को डाल दिया था, क्या करने के लिए, टू सेव द एंट, चींटी को बचाने के लिए. तो 17 का आंसर है ए होगा. नंबर 18, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, डब जो था वो खतरे में था क्योंकि अ हंटर वॉज अबाउट टू सूट इट, एक हंटर उसको मारने वाला था. तो इसलिए 18 का आंसर जो होगा वो सी होगा, सी में हंटर वॉज अबाउट टू सूट इट. नाउ 19 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड एम एट इन दिस पैसेज. इस पैसेज में एम का जो मतलब है वो क्या है. एम का मतलब होता है लक्ष्य साधना, किसी को पॉइंट करना. तो इसका आंसर होगा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को एक गन पॉइंट पर रखना, लक्ष्य साधना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, द एंट रिपेयर द डव बाय, चीटी ने डव यानी जो फाख्ता था उसको किस तरह से रिपेयर किया, उसकी जान बचा करके, यानी उसको वार्निंग दे दी. वार्निंग द डव, तो वार्निंग में उसको चेतावनी दे दी. इस तरह से क्या हुआ, उसको चेतावनी मिल गई और वो उड़ गया. तो इसलिए आंसर होगा बी. तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा. थैंक यू. अपडेट वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल कमल जैन इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको करंट के अपडेट वीडियोस मिलते रहें.